पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने बुधवार को संसद भवन में लोकसभा महासचिव के सामने अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया। नॉमिनेशन दाखिल करते वक्त उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी और शरद पवार, डेरेक ओब्रायन सहित 17 विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद थे। नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए संसद पहुंचने से पहले मीरा कुमार राजघाट पहुंची और बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नॉमिनेशन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने पहले ही अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। अब तक लगभग 64 लोगों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के नाम पर आज एक और नॉमिनेशन पत्र के दस्तावेज दाखिल किए हैं।